इस वक्त काफी इंटरनेट का प्रॉब्लम है। अभी आपसे बात कर रहे थे तो दोबारा लाइव कट हो गया है। अभी आपसे दोबारा बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के जो घुटन वाला माहौल है ना, इसमें इंटरनेट भी घुटन में चला गया है। इंटरनेट का बिल्कुल ऐसा प्रॉब्लम, हालांकि वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है, पैकेज अपना यूज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इंटरनेट जो है ना बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ है इंटरनेट का पाकिस्तान में। तो हमजा खटक भाई अगर हमें सुन रहा है तो दोबारा हमारे साथ ज्वाइन हो जाए ताकि फिर हम इसको मजीद कंटिन्यू करें। काफी पाकिस्तान की सियासत के साथ साथ इंटरनेट के भी काफी मसाइल पैदा हो रहे हैं। जो दोस्त नए जुड़ रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी इंटरनेट का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पर, और इंटरनेट की वजह से लाइव बार बार कट हो रहा है। सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम ये कट हुआ है। वो लाइव जो हमारा चल गया है उसको हम कट नहीं कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि इंटरनेट का जो प्रॉब्लम हुआ है उसकी वजह से अब हम अपने जो व्यूवर्स हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो भी हमें व्यूवर्स देख रहे हैं इस वक्त, वो भाई इंटरनेट का बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। सियासत के साथ साथ इंटरनेट का भी बड़ा मसला है यहाँ पे। हालांकि वाईफाई भी यूज कर रहे हैं दीपक उसके भाई, बावजूद भी। दीपक भाई बिल्कुल आपके ऊपर देखे नजरे हैं, आप थोड़ा ख्याल किया करें। सही, ये सही बात है आपकी। हमजा भाई अभी सिंध से जो आज बड़ी आम शख्सियत ने तहरीक इंसाफ छोड़ी है, बड़ी आम शख्सियत, गोली मार दो नहीं जाऊंगा, और एक था कि मैं मतलब इमरान खान, मेरी सोच दो पे मिनट इमरान में खान, कराची बंद करके दे सकता हूं मैं। और एक बंदा था गवर्नर था हमारा जिससे केले पर खान साहब ने तहरीक इंसाफ बनाई, जो चंदा लेकर किराए में देता था खान साहब को, मुर्गिया लेकर देता था कराची में। बस दीपक भाई बात ऐसी है कि देखें रियलिटी पर हम अपनी बात करेंगे, जाहिर सी बात है ऐसा तो है नहीं कि अगर मिसाल वो मेरी पार्टी का था तो फिर मैं उसकी तारीफ करूं। देखें हम, मैंने बीइंग अ वर्कर अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर रहकर भी देखें उसके खिलाफ बहुत एहतजाज किए हैं। क्यों किए हैं? एक पार्टी जब इक्तदार में आती है, एक पार्टी का वर्कर जब उस पार्टी के लिए मेहनत करता है, अपने इलाके से वोट निकालता है, तो वो जाहिर सी बात है वो बंदा, वो ओहदेदार, मिसाल अगर मैं जिले का सिक्योरिटी इतलात हूँ इंसाफ यूथ विंग का, तो अगर मेरे ऊपर जिम्मेदारी है तो जाहिर सी बात है मैं अपने यूसी से वोट निकालता हूँ। मैं पहले अपने घर से इलेक्शन के दिन वोट निकालता हूँ, लोग मुझे वोट देते हैं, फिर जाहिर सी बात है कल कल आप अगर हम इक्तदार में आते हैं तो वोट वो लोग हम लोगों से काम मांगते हैं। ऐसे ही बिल्कुल हुआ 2018 के अंदर, 2018 के अंदर हमारी गवर्नमेंट बनती है, साहब को गवर्नर बनाया जाता है। उनका क्या रवैया था अपने वर्कर्स के साथ, उनकी क्या इख्तियारात थे, वो इख्तियारात कहाँ इस्तेमाल होते थे आपको भी पता है। वो बंदा मुझे अभी भी याद है, वो बंदा सिर्फ एक बंदे की शादी में गया है एज अ गवर्नर, एक बंदे की शादी में गया है। उसके बाद वो बंदा फोटोशूट, वो बंदा बाइक पर चलता था, पीछे उसका प्रोटोकॉल होता था, उस बंदे ने आंखें यहाँ रखी हुई होती थी। मैं बोलना नहीं चाहिए, मुश्किल वक्त है, टीम टूटी है, गलत है, लेकिन मैं समझता हूं कि खान साहब की टीम से जो ये लोग रिजाइन कर रही हैं, जिनको हटाया जा रहा है जबरदस्ती, जिनको हटाया जा रहा है, उसमें से मैं समझता हूं कि 80% लोग जो है ना गए, मुझे जाती तौर पे खुशी हुई है उनके जाने की, ये वैसी आस्तीन के सांप थे। बिल्कुल, मुझे भी खुशी हुई है इमरान इस्माइल साहब के। मैं कुछ शवाहद आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2019 में नजीर भाई ने आईएसएफ का सदर लगाया था जिले का, तो हमारे एक वहां पे एक गांव के बिजली का काम था, वो चल रहा था, वो गांव नजर खान पठान, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को पता है, हमने 2 साल से लाइट नहीं हुई थी उसके, हमने 11,000 की वोल्टेज और 2-3 पोल हमने अपग्रेड करवाए थे। उस काम के बाद जब मुझे हम याद थोड़ा है दीपक भाई, मुझे याद है। आईएसएफ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया था, नजीर भाई उसको लेके चल रहे थे पूरे डिवीजन में, गवर्नर साहब की तरफ से तमाम इदारों को कहा गया था कि किसी का काम नहीं करना, जो तहरीक इंसाफ का है पहले मुझसे पूछो फिर काम करो। एक एक जोने जो साहब भी था उनके साथ, नाम अली जोने जो साहब। तो जब मैं गया, सीओ अब्दुल हक मेमन साहब था, उसके बाद बैठा तो उसके पास गवर्नर हाउस से एक आम कॉल आई कि कोई भी आए उसके काम नहीं करना। तो सीओ मुझे कह रहा है कि ये देखो भाई, आपकी आपके अपनी पार्टी का गवर्नर मुझे कह रहा है कि पीटीआर का काम नहीं करना। तो मैंने कहा सर आप काम नहीं करेंगे, तो वो था डिस्ट्रिक्ट मैटर का, तो उसने थोड़ा हमारी इज्जत रखी और हमारा काम किया नजीर भाई के कहने पर, और थोड़ा हलीम भाई की भी उसमें था हमारे साथ कॉपरेशन। जब काम हुआ तो मैंने खैबर से मटेरियल तक पूरी अपनी आईएसएफ की टीम के साथ हाईवे पर पैदल मार्च निकाला उसके खिलाफ, और सेखाट जो खैबर से थोड़ा आगे 2-3 किलोमीटर हमने हाईवे पूरा अपना बंद किया तकरीबन आधा एक घंटा। तो हम पैदल ही पैदल मटेरियल तक गए, 15 किलोमीटर हमने पैदल, 12 किलोमीटर हमने पैदल सफर तय किया इसके खिलाफ हाईवे पर। उसके बाद गवर्नर सिंध और उसके मुशीर ने तमाम इदारों को कॉल करके कहा दीपक कुमार या आईएसएफ का कोई भी बंदा है किसी का काम नहीं करना।
तो उसके बाद हलीम भाई ने हमें बुलाया। हलीम भाई ने बोला क्या मसला है कि आप ये रोडों पे निकल रहे हो अपनी पार्टी के अगेंस्ट। तो मैंने हलीम भाई को सारे इश्यूज बताए, सारी कॉल बताई। हलीम भाई ने उसके बाद जाके इदारों को कहा भाई कोई भी पीटीए का है, सिर्फ दीपक नहीं, कोई भी आए, जो भी इमरान खान का वर्कर है उसका काम करना है। तो उसके बाद हमारे काम होना शुरू हुए। उसके बाद पीपल्स पार्टी का कोई भी बंदा था उसका डिस्ट्रिक्ट मटियारी में हर वफाक इदारे में काम होता था, तरीके इंसाफ के किसी बंदे का काम नहीं होता था। जब जाओ उनसे पूछो वो कहता था कि भाई हमारे साथ तो इमरान इस्माइल साहब डायरेक्ट हफ्ते में है। जब हमारे डिस्ट्रिक्ट में आते थे पीटीआई वाले को इग्नोर करके पीपी के पास चाय पीने जाते थे। तो इसकी मिसालें तो सारे हमारे पास मौजूद है। पीटीआई को फुल इग्नोर किया, एग्जैक्टली पीसे बनाने पे गवर्नर फुल साहब ने इग्नोर जोर दिया किया है, अपना नाम बनाने पे हकीकत बात जोर है। दिया है, बाकी पीटीआई को आगे बढ़ाने में खान साहब को बेवकूफ बना के बैठे रहे। खान साहब सिंध में पार्टी ओके, हालांकि हैदराबाद से खान साहब ने ओके कितना वोट दिया, हैदराबाद तक आने ही नहीं दिया खान साहब को। भाई खान साहब को लेकर आओ ना हैदराबाद, कौन लेके आएगा? दीपक या हमला थोड़ी लेके आएगा। उसके साथ तो इमरान इस्माइल बैठा हुआ है, उसके साथ तो दूसरे बैठे वो लेकर आएंगे। कोई भी खान साहब को हैदराबाद लेकर नहीं आया, ना लेके आने दिया गया खान साहब को। इसलिए लेके आने दिया, खान साहब को हैदराबाद आ जाएगा, वर्कर वैसे ही उस पर खान साहब आगे बोल देंगे, खान साहब आगे हमारी फट जाएगी। तो ये सारा उन्होंने किया। आज जो गए मुझे बहुत खुशी हुई, एक मखदूम खुसरो मुख्तियार साहब, जो खुसरो साहब वैसे ही हैं, वो पार्टी छोड़ गए इमरान इस्माइल साहब, दो बंदों के ऊपर मेरे को माफिया, बहुत खुशी है। शुगर माफिया माफिया, बहुत बड़ा माफिया था वो, बहुत बड़ा माफिया उन्होंने था। थोड़ा बहुत खान साहब के नाम पर काम किया, ये किया, इसलिए थोड़ी उनके लिए हमारे दिल में रिस्पेक्ट है। लेकिन गए हमने जब देखा गोली मार दो ये कर दो, तो हमने बोला भाई भाई हमारा बहादुर है और डट के खड़ा रहेगा, कराची का बेटा है। लेकिन जाहिर है सत्य कोई कोई बर्दाश्त कर सकता है, एसी के मजे लेना आसान है, जेलों की सजाएं काटना। हम तो आप और मैं तो सारा दिन घूमते ही धूप में, हम तो एसी में रहते भी ना सोते, हम तो सक्कर जेल फेंक दे कहीं भी फेंक दे, हम तो वहां पे बैठ जाएंगे आराम से, क्योंकि हम धूप में चले हुए लोग हैं। तो बहरहाल इसके अलावा तरीके इंसाफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अली जैदी का जाति वोट जीरो, मोहल्ले के वोट भी उसको नहीं देंगे। आपको मुझे दो वोट मिल जाएंगे, उसको वोट नहीं 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 देंगे। गवर्नर इमरान इस्माइल को वोट नहीं एग्जैक्टली मिलेगा। कराची एग्जैक्टली में नहीं जितने भी बड़े मिलेगा। एमएलए उनका कोई जाति वोट भी नहीं, भले पीटीआई में सब मौजूद भी हैं, कोई जाति वोट नहीं है। अब हम कहते हैं कि हलीम आदिल शेख 5,000 वोट लेके एमपीए बन गया, हमजा भाई मैं इस बात का गवाह हूँ, वो 5,000 वोट मिले कैसे हमें पता है? पीपल्स पार्टी के गढ़ से वोट निकालना बहुत बड़ी बात होती है। पीपल्स पार्टी वालों ने हिरासत किया हुआ सबको, फिर जामशोरों से कुछ जो हमारे वहां पे थे, एक मौजूद बंदे उनका इंतकाल हो गया, सरदार सालेमान ब्राह्मण, उसका वहां पे वोट बैंक है। मतलब चंगेज खान, डॉक्टर सिकंदर चोरी वहां चल कर गए थे, उन्होंने वहां पे वर्क की थी हलीम भाई की, और हलीम भाई ने एक एक वोट को कवर किया तरीके इंसाफ के। वो हल्का कोई आसान नहीं था, शहरी हल्का नहीं था कि आगे नहीं लोग था वोट देने चले गए, वहां सारा सिंधी वोटर था, और सारा हमारे गाँव के लोग वहां पे बैठे हुए थे। कोस्तान थाना बुला खान इस साइड के नबील गबोल के लोग थे, इडियारी के लोग जो होते हैं गैंग पूरी वहां पे बैठी हुई थी। तो ये 5,000 वोट अच्छा निकालना दीपक तो कोई भाई, बात आते हैं। दीपक भाई सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं, उस इमरान इमरान इस्माइल साहब का जो एटीट्यूड था, उस एटीट्यूड से वर्कर सारे नाराज होते थे। हकीकत है, आप बिल्कुल हकीकत यकीन करें कि आप यकीन माने कि वो बंदा गवर्नर हाउस के अंदर किसी को अंदर नहीं बुलाता था। हमारा गवर्नर था, हमारे लिए काबिल एहतराम था। मुझे तो इस बात पे बड़ी हैरानगी हुई है कि वो एक फाउंडर मेंबर है, और उस बंदे ने मतलब इस, और मैं, आप यकीन करें, मुझे ये भी रिपोर्ट आई हुई है कि ये जिस तरीके से जेल में था, जिस तरीके से अली भाई को रखा था और जिस तरीके से इमरान इस्माइल को रखा था, दोनों में बड़ा फर्क था। इसको जो क्लास दी हुई थी, इसको जो प्रोटोकॉल सिंध पुलिस ने दिया, डे फर्स्ट से जब ये इसने इसको गिरफ्तार ढूंढ कर गिरफ्तार नहीं किया था। ये भी मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, गया ये खुद चल कर गया है, इसकी डील हुई है फोन पर, इसने बोला ठीक है मैं आपके साथ बैठूंगा, मैं आपके साथ जो बात करेंगे आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। ये लोग हमेशा कंप्रोमाइज करते हैं, इन लोगों का को कोई नजरिया ही नहीं है, इन लोगों के दिमाग में वो मंशूर ही नहीं है कि पार्टी का मंशूर क्या है। इन्होंने सारी जिंदगी वर्कर को जलील किया है। मैं तो जाती तौर पे बहुत खुश हूँ, बात है सीधी, खान साहब की पार्टी मेरी पार्टी है, मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए जो अच्छा होगा मैं वो खान साहब के लिए बिल्कुल बोलूंगा और बिल्कुल सारे आम बोलूंगा। बाकी बिल्कुल अब कराची की ग्राउंड रियलिटी की अगर मैं बात करता हूँ, तो कराची के अंदर ऐसे बड़े निडर लड़के बैठे हैं, निडर लोग बैठे हैं, बड़ी यूथ बैठी हुई है, कि अगर फॉर एग्जांपल कराची संभालने की बात आए तो कराची को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकती है। मुझे वो बंदा है इनका गोर खटक कोरंगी का रहने वाला है, वो बंदा इतना निडर बंदा है, सईद अफरीदी हो गया, ऐसे बेशुमार हमारे पास पढ़े लिखे लोग नौजवान बैठे हैं। अब देखते हैं कि सिंध से क्या नाम आता है। आपके पास क्या इतला है कि सिंध से किसका नाम आएगा सदारत पर? देखिए, मेरे पास जो इतलात इस वक्त है, सिंध की सदारत एनडीए को देने की गई है, खान साहब की तरफ सिफारिश की सिंध की सदारत या दादू वालों के हाथ में दी जाए या सखर वालों के हाथ में दी जाए। बाकी जो अरबाब गुलाम रहीम जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर पीटीआई में बैठा हुआ है ना, इसको तो कोई उदा नहीं मिलेगा, तो हमारे वर्कर दिल से बात निकाल लें। और अरबाब गुलाम रहीम साहब का जाती हैसियत जाती वो कितने हम अभी देख रहे हैं, एक बयान तक उसका नहीं आया यार। मशीर खजा उसको अपना मावल खसूसी खान साहब ने उसको लगाया था, जबकि लियाकत जो तो 3 लाख अकेले खड़े होकर वोट लिया था दादू से पीटीए के नाम पर, भले
बल्ले के निशान पर exactly. शाह बैठे वहां पे, बिलावल का पूरा हल्का लगता है सखर लड़का ना, वहां से 50,000 उसने ताहिर शाह ने वोट लिए, मियां मसूद वहां से एमएनए बना, किसी को खान साहब ने लगाया, महमूद मौलवी को इमरान इस्माइल साहब ने महमूद मौलवी से पैसे लिए और उसको खान साहब को मिसगाइड करके उसको एफएपीएम लगवा लिया, और यहाँ से इसको टिकट भी महमूद मौलवी को टिकट भी इसी ने दिलवाया था, उसने दिलवाया, इन्वेस्टर था ना उसका, तो सारे काम वो कर रहा था। अब जब अरबाब रहीम साहब का मौका था खुलकर खेले, नहीं खेला, लाल माली कौन है, एमएनए पीटीआई का मिडिल क्लास का वहां का बंदा कारोबारी है लेकिन थोड़ा मिडिल क्लास का है, और मखदूम शाह कुरैशी का मरीज है, उसके बाद वो पीटीआई में आया, आज उसके भाई को उठा लिया, क्यों उसके भाई को उठा लिया, क्योंकि वो नामालूम मुकाम पर बैठकर मीडिया पर जो ऑन ये मेन स्ट्रीम मीडिया वहां बैठकर तरीके इंसाफ को डिफेंड कर रहा है और जो मकरू चैन के वहां उनके सामने ला रहा है, आज उसके भाई को उठा लिया, उसका पंप बंद कर दिया, उसका कारोबार सारा बंद कर दिया, तो ये सारी चीजें। अरबाब रहीम भी वहीं बैठते हैं, उमरकोट में रहता है भाई, आप आओ ना खुलकर, आप क्यों खुलकर नहीं आ रहे खुलकर, सिर्फ आपको एक रेंजर्स की गाड़ी चाहिए, एक मोबाइल चाहिए, जो प्रोटोकॉल के साथ देते रहे, ये मुल्क फालतू लोगों के लिए नहीं है। मेरे पास अभी तक जितना है जनरल सेक्रेटरी कराची को दिया जाएगा, उस बंदे को दिया जाएगा जो पूरे कराची को हैंडल कर पाए, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी कराची को उसके दे रहे हैं, अभी खान साहब ने सिस्टम चेंज कर दिया है, खान साहब ने कराची को सूबे के साथ अटैच करना है और सूबे को अपने साथ अटैच करना है। पहले क्या सिस्टम था, कराची खान साहब अलग बनाता था, सिंध अलग बनाता था, उसमें फिर कराची का ना सदर होता था ना जनरल सेक्रेटरी होता था, अभी जो अली जैदी भाई आया उसके बाद थोड़ा सिस्टम चेंज हुआ। अब मेरे पास इतना ये कि दादू या सखर दोनों में से एक के पास सदारत जाएगी और जनरल सेक्रेटरी कराची के पास आएगी, हो सकता है कि हलीम आदिल शेख को सदर लगा देते, हो सकता है आने वाले इलेक्शन में सिंध की एमपीओ के टिकटों के फैसले भी हो सकता है, हलीम भाई उसमें शामिल हो, जो उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया था, बिल्कुल हो गए वो। दीपक भाई मैं ये समझता हूँ कि अगर मतलब कि सिंध की सदारत हलीम भाई को दी जाए, उनसे अच्छा वर्क कोई भी नहीं करता, क्यों, क्योंकि देखें सिंध का सदर अगर इस तरफ से आएगा, इंटीरियर से आएगा, तो ही फायदे में जाएंगे, हमारी जो सूबे की हुकूमत बनाने में अहम किरदार है वो इंटीरियर सिंध का है, हमारा अंदरून सिंध का है, हमारी ज्यादातर सीटें वहां पर है। हलीम भाई ने बहुत ज्यादा वर्क किया है, हम तो देखते आ रहे हैं, हम उनके साथ जाते भी थे, हमने तो बहुत ज्यादा उनके इवेंट्स अटेंड किए, उन्होंने सैलाब में जिस तरीके से काम किया, हालांकि इस वाले सैलाब से पिछले वाले सैलाब तो था, उसके बाद वाले भी उनको गिरफ्तार किया था, फिर जब वो रिहा हुए उसके बाद फिर उन्होंने बहुत जबरदस्त विजिट किया, उन्होंने तरीके से काम किया, मैं नहीं समझता कि उससे अच्छा सिंध कोई चलाएगा, और अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। मैंने सुना है कि उनको भी फार्म हाउस गिरा दिया गया है, बहुत ज्यादा नुकसान दे रहे हैं उनके भी बिजनेस को, लेकिन अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, अल्लाह ना करे कि उनके ऊपर भी कोई ऐसा प्रेशर आए कि वो हीरा भी हम खो दें। वो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मतलब मुझे कोई अपने लिए अपनी पर्सनल उसमें लाइफ में पसंद है, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो बंदा वर्कर के लिए आता है, वो बंदा हमारे फ़ोन उठाता है, वो बंदा रिस्पॉन्ड करता है, वो बंदा डायरेक्ट हमारे कन्वेंशन में आ चुका है, हमारे पास आपको पता है जब कैंटोनमेंट इलेक्शन था उस वक्त पीटीआई की तंजीम थोड़ी कमज़ोर थी हमारी हैदराबाद की, उस वक्त आपको बहुत अच्छे तरीके से इल्म होगा, हमारे प्रेसिडेंट जो थे वो एहतिशाम कायम खानी साहब थे इंसाफ यूथ विंग हैदराबाद के, और हमारे पास हमें सारा का सारा जो कैंटोनमेंट का इलेक्शन था वो हम यूथ विंग वाले देख रहे थे, इसमें मदर पार्टी का कोई किरदार नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर आपको पता था हालात कैसे चल रहे थे। यकीन करें हम लोगों को मीडिया फेसेस चाहिए थे, आप यकीन माने हमने सबसे टाइम लिया, हमें किसी ने टाइम नहीं दिया, हमारा गवर्नर ओपोजिशन लीडर उस वक्त हमारा उस टाइम हमारा फिरदौस शमीम नकवी साहब थे, किसी ने हमें टाइम नहीं दिया, आलमगीर साहब से हमने टाइम लिया वो भी नहीं आ सके, लेकिन हलीम भाई को एक फोन किया और वो फौरन रेडी हुए, 9 इवेंट्स हमारे अटेंड किए थे, 9 इवेंट्स एक दिन में, एक रात में, 3 बजे से इवेंट शुरू हुए थे, 3 बजे वो हैदराबाद में एंटर हुए थे, 6 बजे से इवेंट शुरू हुए थे, आधे आधे घंटे का इवेंट था, और वो रश और आखिरी जो कैंपेन थी जो मैं हैंडल कर रहा था नसीम खान की वार्ड 7 की, उसके अंदर हलीम भाई आए थे, वो आखिरी उनकी थी, लेकिन जिस तरीके से हलीम भाई काम करते हैं मैं समझता हूँ कि कोई नहीं कर सकता, और मेरी खासन दुआ है, और अगर ये वीडियो इस मीडिया के तवज्जो से खान साहब तक अगर हमारी आवाज़ जाती है तो अल्लाह करे खान साहब सिंध की सदारत पर हलीम आदिल शेख साहब को लेकर आए, वो बहुत अच्छा काम करके देंगे, और सूबे की गवर्नमेंट बनाने में भी उनका बहुत अहम किरदार होगा, वो सिस्टम को चलाना जानती है, वो लोगों के साथ बैठना जानती है। देखिए इलेक्शंस के अंदर लोगों को अपने हक में बिठाना बहुत अहम किरदार अदा करता है, हमारे वालों के अंदर थोड़ी सी इन लोगों के अंदर थोड़ी अना होती थी, ये कहते थे यार वो लोग नहीं बैठेंगे, छोड़ दो नहीं जाओ हम तो अच्छा। मैं आपको बताऊं, इमरान इस्माइल साहब, अली जैदी साहब हमारे सदर थे, काबिल एहतराम थे, आज भी उनका एहतराम करते हैं, हमारा कोई उनसे पर्सनल इख्तलाफ नहीं है, ये कहते थे कि खान साहब की सोशल मीडिया में बहुत तेज हवा है, हम लोग जीत जाएंगे, इलेक्शन इस तरीके से नहीं जीते जाते। जब एक बंदा ऐसी सोच सकता है वो क्या आपकी पार्टी को लेकर चलेगा दीपक भाई, इससे तो बहुत अच्छा हो कि लोग चलेगा, वो
वो तो ये समझते हैं कि उनके इलेक्शन कैंपेन भी खान साहब खुद आकर चलाएगा, ये तो इनको समझ में नहीं आ रहा ना कि इलेक्शन कैंपेन इनको खुद ने चला रही है। हमारा जो यूथ विंग का जो सदर है अपना वकास भाई ने कमेंट किया हुआ है कि पार्टी कारकुनों के हक पर डाका मार कर नुसरत पठान को टिकट बेचा गया था, टिकट बेचने वाले सब भाग गए, ये पार्टी के लिए अच्छा हुआ। वकास भाई मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाता हूँ, ये नुसरत पठान साहिबा ने जो पैसे दिए मुझे इस का इलम नहीं है, दिए को दिए, लेकिन बात लौटी हुई सबसे पहले आप मैं हम सब यूथ वाले खड़े हुए थे। मदर विंग तो उस वक्त बनी हुई भी नहीं थी, और जो बनी हुई थी तो हमें पता था मुश्किल वक्त में कौन हमारे साथ खड़ा होता था कौन नहीं होता था। हम उस वक्त खड़े हुए प्रेस क्लब पर, उबैद भाई हमारी रहनुमाई कर रहे थे, जय जो साहब मेरे ख्याल में वहां पे कॉन्टेक्ट में थे हम सबके साथ, हम रात को बैठे थे। जो मिनाटी का एक और एमएनए भी लौटा हुआ था रमेश वांकवानी, जिसको एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जहांगीर तरीन ने रमेश, एमएनए की हाँ टिकट दिलवाई, मैं सबसे पहला बंदा था जिसने, हाँ क्योंकि वो हिंदू काउंसिल का चेयरमैन है। मुझे डिफिकल्टी हो रही थी इसलिए क्योंकि हमारे एक कम्युनिटी का चेयरमैन है, लेकिन मैंने सबसे पहले उसकी मुखालफत की, उसको मैंने ग्रुप में उसको पर्सनल मैंने उसको मैसेज जो किए मेरे पास अभी भी पड़े, और मैंने वो टिकटॉक पर स्टेटस लगाया हुआ था, तो हमने उसके खिलाफ एफआईआर किया। दूसरा ये वकास भाई ने कहा कि हलीम भाई के साथ चलने वाले लोग सिर्फ हलीम भाई के कहने पर निकलते हैं, खान के लिए क्यों नहीं निकलते, इस पर नजर डाले। अब ये हलीम भाई को कहना पड़ेगा उन लोगों को कि भाई आप लोग खान के वर्कर हैं, मेरे वर्कर नहीं है, इस मैं पर खान का मैं वर्कर हूँ। मैं कमेंट करता हूँ, इस पर मैं कमेंट करता हूँ दीपक भाई। ये चीज मैंने भी हलीम भाई के अंदर देखी है, वकास भाई ने बिल्कुल सही कमेंट किया है। हलीम भाई अगर देखें, खुल के मैं बात करता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, मैं अल्लाह की जात से डरता हूँ। ये बात बिल्कुल एग्जैक्टली हलीम भाई के कहने पर काम करते हैं। उनके कुछ ऐसे वर्कर्स थे उनके साथ, उनके सपोर्टर्स हैं हलीम भाई के, कुछ ऐसे सपोर्टर्स हैं, ऐसे कोई यार दोस्त हैं हमारे साथ भी उठते बैठते हैं, वो ये कहते हैं हलीम भाई जो बोलेगा वो करेंगे, हलीम भाई जो कर बोलेगा वो करेंगे, हम तो हलीम भाई के नारे मारेंगे। देखिए प्लीज, ये पार्टी तहरीक इंसाफ की है। आप तमाम लोगों ने उन लोगों का हाल देखा जो लोग पार्टी छोड़ कर गए। हलीम भाई डिजर्विंग है सिंध की सदारत के लिए, बट हलीम भाई को चाहिए कि अपने वर्कर्स को ये बात समझाए कि देखें ये पार्टी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की है। आप लोगों को इश्क इमरान खान साहब से होना चाहिए, किसी शख्सियत से नहीं होना चाहिए। मैंने हमेशा दीपक भाई बजाते खुद भी, मैंने अगर सियासत की है तो मैंने सिर्फ खान साहब के लिए की है, किसी शख्सियत के साथ खड़े होकर नहीं की है। मुझे मेरी विंग के अंदर किसी ने आइन पर मुझे पर्चे पर जो सदर लगा कर दिया, मैंने हमेशा उसकी तायद की, उसका हुक्म माना है। मैंने कभी भी किसी के पीछे लगकर सियासत नहीं की है। तो वकास भाई ने बात बिल्कुल पॉइंट अच्छा रेस किया है। इस पे एक और भी बात करूंगा, वकास भाई ने बात की, वकास भाई ऐसे लोग होते हैं ना वो हलीम भाई के साथ भी सिंसियर नहीं है, वो सिर्फ मुफाद परस्त है। एग्जैक्टली हलीम भाई वो वायद, अगर हलीम भाई को ये चीज होती खुद कर रहे होते तो हलीम भाई कभी खुद मारे नहीं खा रहे होते। मुझे याद है तो पिछले साल 25 मई को ये मार्च खान साहब ने निकाला था, तो हलीम भाई फ्रंट फुट पर खेल रहे थे और वहां पे शेर आ रहे थे, हाँ शेर को कंट्री अपनी गाड़ियां पे नुकसान देकर उनको हटा रहे थे, लेकिन अपनी उनके जो गाड़ी उनके को नुकसान देके दोस्त हटाया थे था उनको उन्होंने। सही था कि वो सिंध में हमारे साथ बैठकर इसलिए खेलते, लेकिन वो नहीं खेलते। वो सिर्फ हलीम भाई के कहने में, हलीम भाई से सिंसर नहीं, वो जब मुश्किल वक्त आता है ना, जब हलीम भाई के ऊपर अल्लाह ना करे मुश्किल वक्त, अभी चल रहा है हलीम भाई पे, खान साहब पर, हलीम भाई पर, हम सब पर मुश्किल वक्त है, तो वो लोग हलीम भाई को भी नजर नहीं आ रहे, हमें भी नजर नहीं आ रहे, तो ऐसे लोगों का कोई फ्यूचर भी नहीं है, ऐसे लोगों का कोई वहां पे मुस्तकबिल भी नहीं वैसे है, ना वैसे सिंसर मैं खान साहब पर ना हलीम भाई वैसे से। दीपक भाई एक बात बताऊं, हलीम भाई को भी हमारे सिंध की सीनियर लीडरशिप ने बहुत नजरअंदाज किया बिल्कुल है। अच्छी तरह मैं समझता हूं जिस तरीके से हलीम भाई ने काम किया है, देखिए एक बंदा काम कर रहा है, एक बंदा अच्छा नैरेटिव लेकर चल रहा है, एक बंदा आपके लीडर का डायरेक्ट पैगाम, जितनी सख्तियां हलीम आदिल शेख ने सिंध के अंदर सही है किसी ने नहीं सही है। जेलों में देखा है जो तुमको, मुश्किल मैंने वक्त, सुना जो बंदा जो मुश्किल वक्त इस शख्स के ऊपर आया ना हलीम भाई के ऊपर आया, वो किसी के ऊपर भी नहीं आया है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने इन्हीं लोगों के मुंह से सुनते हुए सुना है, इन्हीं लोगों के मुंह से बोलते हुए सुना है मैंने इन लोगों को कि हम अगर कोई कहता था कि कल तो ओपोजिशन लीडर हलीम अली शेख साहब की पेशी वहां चलना है, यकीन माने बहुत बुरे अल्फाज होते थे उन लोगों के। ऐसा क्यों यार, हलीम अदिल कौन है? आप यही तो ओपोजिशन मैं लीडर कह है, रहा आप हूँ लोगों का ना, फर्ज बनता है ये यार, पार्टी आप लोग सिंपल किस चीज लोग की जेलसी रखते हो? पार्टियां ऐसे चलती हैं। मैं बोलता हूं और यही लोग थे जो आज इस्तीफे देकर गए, यही लोग थे, यही वही इमरान लोग है इस्माइल, ना। सॉरी मैं बात ऐड कर दूं, इसके अलावा आपको बहुत से लोग थे यार। बलजत इलेक्शन के जब फॉर्म फिल हो रहे थे ना, जब लास्ट डेट थी कि फॉर्म फिल करने की, हमारा एक उम्मीदवार पीपल्स पार्टी वहां से बिना मुकाबला रही थी वार्ड से मटियारी से, एक उम्मीदवार को 2 दिन पहले ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उसके ऊपर झूठा केस ठोक दिया। मैंने सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट की, अली जैदी भाई को पर्सनल मैसेज किया, उसके बाद अली अली जैदी भाई को मैंने 5 कॉल की, हमारे डिवीजन की कैडर को मैंने कॉल की, डिस्ट्रिक्ट तो मेरे साथ था ही, किसी ने मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दिया, किसी ने भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। हलीम भाई को सिर्फ मैंने एक मैसेज किया, हलीम भाई की फौरन मेरे पास कॉल आई कि दीपक कहाँ पर हो तुम,
रात को 11:30 बजे मैंने कहा सर मैं हैदराबाद में था, मुझे वाकया लग रहा है, मैं 20 मिनट में हैदराबाद से मटेरी पहुंचाऊं बाइक पर। तो अली भाई ने बोला मसला क्या है, मैंने कहा ये सर मसला हुआ है, बंदे को उठा के गायब कर दिया गया, अभी इसके ऊपर ना FIR की है ना जाहिर कर रहे हैं, उसको बोलो कम से कम FIR करें, जाहिर करें, कोर्ट में जाकर उसका फॉर्म फिल करें। तो अलीम भाई ने बोला कि आप वेट करो मैं आपको कॉल करता हूँ, मैंने कहा ठीक है। 15 मिनट बाद अलीम भाई ने मुझे कॉल की कि मैंने DIG साहब से बात कर ली है, आप कल सुबह जाके DIG साहब से मिलो और SSP साहब अभी आप छोड़ दो, कोई एहतजाज वगैरह नहीं करो, आप जाके अभी बैठो, कल जाके DIG से मिलो, DIG के SSP की भी कंप्लेंट करो, SHO की भी कंप्लेंट करो, जो भी इस मलोजर की कंप्लेंट करो। मैं खुद दूसरे दिन जब DIG से मिलने गया हूँ, DIG से मिलकर पहुंचा हूँ, बंदा कोर्ट में पेश होगा, उसके ऊपर FIR हो गई, गिरफ्तार किया है तो FIR किए रात को, गिरफ्तार किया है दोपहर को। तो ये हलीम भाई है जो हमारी कॉल सुनता भी है, हमें कॉल पे करता भी है, DIG को भी हमारे लिए कॉल करता है, भी कॉल करता है वो, बिल्कुल दीपक भाई यार ये सानिया अकबरी मस्जिद हुआ था, मुझे याद है, अकबरी उसमें भी ग्राउंड, सारा रोल उसने प्ले किया था हलीम भाई ने। उस पर कोई भी हमारे पास नहीं आ रहा था। वाहिद नुजैर भाई उस सारे वाकये को हैंडल कर रहा था, हमारा सदर, ये बात मैं लाइव पूरी लोगों को बता रहा हूँ कि सानिया अकबरी मस्जिद का वाकया था, ट्रांसफार्मर फटा था उसका, उसके अंदर जो तबाही हुई थी उससे लोग शहीद हुए थे बेशुमार, हमारे 22 से 23 लोग शहीद हुए थे उसमें, तहरीक इंसाफ के भी हमारे कारकुनान शहीद हुए थे, वो ऐसे शहीद हुए थे कि उनकी दुकानें थी, शॉप्स थी, नीचे खड़े हुए थे, शाम का टाइम था, एकदम ब्लास्ट हो गया था ट्रांसफार्मर का, तेज गर्मियों का सीजन था। खान नुजैर भाई ने सारा कैंप लगाया, शहदा के जो लवाहिकीन थे वो बैठे रहते थे, हर पार्टी के लोग आके वहाँ सियासत करते थे, पीपल्स पार्टी के जब्बार खान आकर वहाँ पॉलिटिक्स करता था, साबिर कायम खान ही आकर वहाँ पर कौम परस्ती की बातें करके जाता था कि यहाँ पर वाकया होता है, अंदरूनी सिंध में ये वाकयात क्यों नहीं होते, वहाँ पर कोई क्यों नहीं बैठता, इस तरह की बातें लोग, इन लोगों ने लाशों पर सियासत की है। हमारी हमारी हम वर्कर्स की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था, वाहिद हलीम भाई ने हमारी आवाज़ सुनी थी, हलीम उसको भाई डर आए, भी लगा उसके था, बाद मेरे को चेक्स डर का भी मामला लगा, हुआ, गुस्सा भी उस लग पर रहा था। जब बात आपको याद होगी बिल्कुल याद है, बिल्कुल हकीकत याद है मुझे, आपको, आपके ऊपर हमला करेंगे, आपको वहां पर गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तार करेंगे। और आपको आपको शायद याद हो कि दीपक भाई याद है नवाब शाह के अंदर उसी दिन हलीम भाई पे हमला हुआ था, हमला हुआ याद है था आपको? बिल्कुल, नहीं आपको मुझे सही याद है तरीके से याद नहीं हुआ, वो जरदारी सरदार लड़का साहब एक के घर था, के सामने उसको हमला हुआ बाद में था, फिर मुझे याद है, वो फिर वहां से आईस निकले थे याद तो आ उनको रहा है बटेर बस। में अली भाई मेरे पास रुक रहा था, तो फिर प्रोग्राम चेंज हुआ, रूट चेंज हुआ, अली भाई डायरेक्ट हैदराबाद आ गया था। डायरेक्ट हैदराबाद आ गए। अब आप मुझे बताएं उसकी 2 करोड़ की वीएट का खाना खराब कर दिया था उन लोगों ने, हालांकि उन लोगों को जूते हमारे वाले ने भी बहुत जबरदस्त मारे थे, उस पर मैंने एक मीम भी बनाई थी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो बंदा इतना नुकसान सहने के बाद भी, देखिए हर बंदा अपने माइंड सेट पर चल रहा होता है यार, उसके लड़कों को भी जख्मी कर दिया था, जाहिर सी बात एक जत्था जब हमला करता है तो नुकसान तो होता है, वो बंदा उस हालत में भी डायरेक्ट हमारे पास आया, तो मतलब यार ये चीजें तो हम फिर याद रखेंगे ना यार, अलीम भाई की सारी जिंदगी हम लोग याद रखेंगे कि वो बंदा वर्कर के लिए कितना आता जाता है, हमारे हमें उससे क्या लेते थे ना यार, ना वो हम, मैं तो उसको पर्सनल कभी भी नहीं जानता था, लेकिन वो बंदा वर्कर के लिए बहुत आता जाता है, बहुत आवाज उठाता है, जो बात है। उनके साथ में हम लोगों ने एक चीज देखी है, मेरे पास मेरे दोस्त हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी, मुतजा कमी मूवमेंट के भी, वो मुझसे कहते हैं कि यार हम तो तरसते थे गवर्नर हाउस जाने पे, ऐवान सदर जाने के लिए, असेंबली जाने तक हम तरसते थे कि ये असेंबली है कौन सी, ये तो हलीम भाई है या अलवी साहब, ये तहरीक इंसाफ की मेहरबानी में कहूंगा, PTI में हम हैं भी तो हलीम भाई भी हमारे साथ है, अलवी साहब भी या कोई भी वहां पे एक्सलेटर इमरान इस्माइल भी हो, एक दो दफा जो उस्मान डार साहब ने हमें बुलाया तो गवर्नर हाउस में हम जाते, तो ये तहरीक इंसाफ की वजह से ही हम लोग गए। अभी ये अपना वकास भाई, एग्जैक्टली मैं वकास भाई को ये मैसेज पढ़ूंगा इसलिए नहीं क्योंकि ये हमारा तंजीमी आपस का पार्टी का मसला है, इसलिए मैं ये वकास भाई का कमेंट नहीं पढ़ूंगा इसको, मैं वकास भाई को सभी अल्फाज दूंगा, ये आपस में बैठकर डिस्कस करें तो बेहतर, क्योंकि अभी हम वो डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे वर्कर मायूस हुए हैं, उनको हम एक्टिव करना चाह रहे हैं ताकि वो देखें कि अगर हम दो बैठकर भी ऐसे बातें कर सकते हैं इस माहौल में, तो आप लोग भी बैठकर ऐसी बातें कर सकते हैं, अपने हल्कों में पार्टी को मुनज्जम कर एग्जैक्टली सकते हैं। वकास भाई ये जो दो चार सीटों वाला मसला है, मेरे ख्याल से आपको पर्सनल में करना, आप खुद एक जिम्मेवार बंदे हैं, UC के चेयरमैन हैं और एक अपना टाउन के सदर हैं, तो मेरे ख्याल में आप दिल्ली से तो बेहतर है, मजीद मैं सर अभी अच्छा ये कहूंगा कि मैं जी आपको एक भाई बात बताऊं, आपकी बात कंटिन्यू करूंगा, आपने कहा कि ये जो हमारे, ये हमारा जो प्रोग्राम है ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि देखें मायूस है हमारे लोग, हमारे लोग क्यों मायूस हैं, हमारे लोग इसलिए मायूस हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें भी उठा लिया जाएगा, हमें भी ले जाकर बंद कर दिया जाएगा, हमें भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, क्यों बनाया जाएगा? मुझे एक बात बताएं, मैं टारगेट किलर हूँ, मैं भत्ताखोर हूँ, मैंने कभी किसी की दुकान के शीशे जाकर तोड़े हैं, मैंने कभी किसी की गाड़ी जलाई है, जब एक जमात ने वो चीज की ही नहीं है तो हम किस चीज की फिक्र करेंगे? आपको गिरफ्तार करना है, आप गिरफ्तार कर ले, हम जमात लेके बाहर आ जाएंगे, बात खत्म। आप कितनी
कितनी कितनी दफा गिरफ्तार करेंगे आप? 10 दफा गिरफ्तार करेंगे, हम मेरी दस बात दफा जमानत लेके बाहर आ जाएंगे? तो सुनो, जेल भर चुके लोग रखने की जगह नहीं है, जेल हुकाम रो रहा है भाई पीटीआई वालों को निकालो बाहर, लेकिन वो जबरदस्ती करके दीपक बैठे भाई हैं। डेली बेसिस पर, दीपक भाई डेली बेसिस पर केपीके, तो मैं समझता हूँ जो लड़के उठाए थे उसमें से तकरीबन तो सारे रिहा हो चुकी हैं। पंजाब में भी बहुत जबरदस्त तरीके से हमारी बुकला की टीमें काम करी है, मीडिया दिखा ही नहीं रहा है, ठीक है? और मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे जो सोशल मीडिया के वर्कर्स थे उनको बेतहाशा उठाया है, उसमें से हमारे लड़कों को गिरफ्तार किया। अच्छा, इन लोगों ने इन गिरफ्तारियों में टारगेट किए हुए थे लड़की, जो रश पश में फ्रंट पर हमारे लड़कों को देखा हुआ था कि ये लड़का है ये लड़का है, इस तरीके से इन लोग उठाकर उन लोगों के मोबाइल तोड़ दिए, उन लोगों का सारा सिस्टम तोड़ दिया। गरीब लड़के होते थे बेचारे, खान साहब को सपोर्ट करते थे, उनके फोन तोड़ दिए इन लोगों ने। इस वक्त ज्यादातर चीजें हमारे पास पहुंच भी नहीं पा रही है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, मेरे पास जो जो खबरें आती हैं, मेरे पास जो जो वीडियोज आती हैं, मेरे पास जो जो मालूम आती है, वो मैं सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा हूँ। लास्ट टाइम आपने भी, आपको भी कॉल आई, हमारी तंजीम के लोगों ने कॉल की, यार आप लोग ये क्या कर रहे हो, इस तरीके से नहीं होता है, आप लोग बैठकर जो है ना ये कर रहे हो, आपको क्या हो गया, आप लोग जज्बाती हो, मतलब इसमें जज्बाती की बात ही नहीं है यार। हम लोग तो सीधी सी बात है डिस्कशन कर रहे हैं कि खान साहब हमारी रेड लाइन है, रेड लाइन थी, रेड लाइन रहेगी। कारकुनों को चाहिए कि इस वक्त खान साहब के वोटर के पास जाए, उनको उनको सपोर्ट करे, उनके साथ खड़े हों, उनको बताए कि ये वक्त है हमारी फाइट करने का। जब ये वाकया हुआ उसके ठीक 3 दिन पहले, मैंने अपने चौक इमरान खान चौक पर, जो माजिया हॉस्पिटल बिल्कुल मेरा मेन चौक है, वहाँ मैंने फ्लैग लगाया, मैंने अपने लोगों को निकाला, मैंने फ्लैग लगाया वहाँ पे, सरेआम किया। इसलिए नहीं किया कि मैं कोई वो बन रहा था, मैंने इसलिए किया कि लोगों को पैगाम जाए, मेरे कारकुनों को पैगाम जाए, मेरे लड़कों को पैगाम जाए, हमारे दोस्तों को पैगाम जाए कि यार हम लोग देखिए, हम लोग कोई मुजरिम नहीं है, अपनी मेंटेलिटी को थोड़ा खोले। आप लोग किस बात कर रहे हैं, ये मुल्क आप लोगों का है, ये दारे आप लोगों के अपने हैं, ये लोग आप लोगों के अपने, कोई कश्मीर थोड़ी है यार। लीडरशिप जिस तरीके से जारी है, जाती है, जाए, बहुत अच्छा हो रहा है हमारे लिए यार, जब बहुत अच्छा हो रहा है। आ रहे हैं नौजवानों को मौका मिलेगा, आपको मुझे हम सबको मौका मिलेगा, जो आम लोग जो सियासत नहीं कर पा रहे, जो नीचे बिल्कुल अपने आप को एक वो समझ रहे हैं कि हम ऊपर आ ही नहीं सकते, सियासत तो है ही वडेरों का काम, तो ये वडेरों का चौधरियों का ये इनका काम नहीं है, चपरासियों का ये काम है, आम लोगों का, नौजवानों का, पढ़े लिखे बंदों का। मैं सबसे पहले के ऐलान करूंगा, दीपक भाई जो इस आज पे पाकिस्तान तरीके सब जी, खान साहब ने जी. तंजीम का जो खान साहब ने ऐलान किया है, जो लोग समझ रहे थे कि खान साहब जमान पार्क पे अकेला होकर बैठ गया, सारे लोग छोड़कर चले गए, जिनके घर पे कोई नहीं सुनता वो भी चल छोड़ के चले गए और खान साहब अकेला हो गया, तो इसके लिए इतला है कि उमर अयूब को खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा चोटी लगा दिया है। उमर अयूब वो शख्स है जिसपे मुझे डाउट था, उमर अयूब का जब मैंने बैकग्राउंड देखा 2008 पीपी, 2013 नून लीग, 2018 पीटीएल, मैं ये समझ रहा था 10 अप्रैल मुझे भी डाउट था उस पर, मुझे भी डाउट था उस पर, मुझे भी डाउट था, मुझे यकीन छोड़ देगा, मुझे यकीन ही नहीं था ऐसा नहीं हुआ। उसको फिर जब मैंने देखा कि अब ये छोड़ेगा नहीं, खुसरो बख्तियार की तरह ये भी बाहर चला जाएगा, अंडरग्राउंड हो जाएगा, लेकिन नहीं, खान साहब की हर पेशी पर, खान साहब के हर जलसे पर, खान साहब घरेली पर, फ्रंट फुट पर खान साहब की सिक्योरिटी करता था, मीडिया पे नहीं आता था। अब पता चला क्यों नहीं आता था, क्योंकि खान साहब ने उसको सेकंड के लीडरशिप के लिए बचा के रखा हुआ था कि आप बच्चे आपको जाना नहीं, आपको भी लीडरशिप चलानी है। तो उमर अयूब एक पठान है, गैरतमंद पठान है, रुक गया है, ये बड़ी बात है, मैं खुद इसमें हैरान हूँ। लेकिन आज खान साहब ने उसको इज्जत दी है, जनरल सेक्रेटरी लगाया है, उसके बाद खान साहब ने अपना रऊफ हसन को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लगाया है, जो हमारी पार्टी की जो भी इंफॉर्मेशन होगी, मीटिंग की, जब खान साहब का जो मौकफ होगा, जो भी खान साहब का विजन होगा, वो हम तक पहुंचाएंगे और आवाम तक पहुंचाएंगे। उसके बाद ये इससे पहले हमारे मुशीर भी रह चुके हैं, इससे पहले 2018 की गवर्नमेंट में हमारे मुशीर भी रह चुके हैं शायद। और दूसरा, खान साहब ने मुजाकरती टीम का ऐलान किया है, और उसके बारे में बात बताता हूँ, मेरे नाम बता दूँ, शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद केसर, हलीम आदिल शेख, ओ नवाज गुप्पी, मुराद सईद, हम्माद अजहर। अब इनमें ये सारे वो लोग हैं जो खान साहब के साथ बैठे हुए हैं, मखदूम शामिल को अभी तक जेल में, अब रिहा होने के बाद क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं क्या नहीं करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन सीनियर पॉलिटिशियन है, मैं ऑब्जर्व ये कर सकता हूँ कि वो कम से कम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे कि मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ, ओहदा छोड़ रहा हूँ, ये नहीं करेंगे, जैसे आज सेनेटर शहजाद वसीम ने किए ना, कि भाई मैं मजम्मत करता हूँ खान साहब के साथ, अपना पीटीआई का हूँ लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल प्ले करूंगा, वैसे ही अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली तो जो वर्कर होते हैं ना, वो अपने लीडर के लिए, अपने मुल्क के लिए 2-2 साल की जेल काटते हैं। अली मादर शेख का जो मिसाल दे रहे हैं, उसने 3 महीने जेल काटी हुई, उसके जेलों में, उसके थानों में सांप छोड़े गए, तो उसको भी आज इस कमेटी में शामिल किया गया है। अली मादर शेख को भी, ओ नवाज भप्पी, ओ नवाज भप्पी खान साहब का पुराना साथी है,
मुराद सही तो हम जानते, वो तो है ही हमारे फेडरेशन से, हमारे आईएसएफ से, तो हमें फखर महसूस होता है कि हमारा एक फेडरेशन का बंदा ऊपर गया है, यूथ मदर के बाद फेडरल मिनिस्टर ऑफ पार्टी की कमान संभाल रहा है वो। असद केसर साबिक डिप्टी स्पीकर है और केपी केस उसका तालिक है, पठान है। ये मैं किस कहना चाहूंगा कि ये पंजाब में जा रहे हैं लोगों के घरों में घुसने, थोड़ा केपी के में घुसकर बताना पठान जो इनको बताएंगे फिर कैसे घुसने घरों में, ये इनकी जो फटरी है अभी ये। उसके बाद हमाद अजहर के दो बहनों के घरों पे इन्होंने ये पुलिस ने दावा बोला है, उसके वालिद को धमकियां दी है। हमाद अजहर कौन है वो ये कहते हैं ये सारे एक्सटर्नल बंदे, भैया अगर एक्सटर्नल के बंदे तो आप क्यों इनको तंग कर रही हो, तो आपके बंदे तो खुद आपके पता निकलिए, ये आपके बंदे नहीं है, ये पाकिस्तान के बंदे हैं। किसकी है? हमारी है, पाकिस्तान हमारा है, फौज हमारी है, सारी चीज हमारी है। ये फौज को सियासत में ना कैसी टैपी दी है, क्या जी हो गया अब पीपल्स पार्टी को, ये मिला नहीं, पेशाब मिल गया, पेशाब पीकर खान साहब का टेस्ट करके बता रहा है कि ये हो गया वो हो गया, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं मुजाकिर टीम के हवाले से रमजान खरीफ बात बता दूं, जो लोग आज सवाल कर रहे हैं कि मुजाकरती हुकूमत तो मुजाकरात करने को तैयार नहीं है, तो मैं आपको बता दूं इमरान खान क्रिकेट में चुका है, वो कप्तान था, इस वक्त हमारा कप्तान है, 22 करोड़ आवाम का कप्तान है, वो सारी चीज समझता है किस वक्त क्या खेलना चाहिए। आप देख रहे थे जब सारे लोग जा रहे थे तो खान साहब ने कोई डेजिग्नेशन नहीं दिया, असद उमर ने रिजाइन करते हैं 2-3 दिन हो गए, खान साहब ने किसी को ओहदा नहीं दिया, आज खान साहब ने नोटिफिकेशन क्यों निकाले, खान साहब की हिम्मत हमें उसको फॉलो करना चाहिए, हमें उसको देखना चाहिए खान साहब क्या प्लानिंग कब कर रहे हैं, वो ऊपर अकेला बैठा नहीं, सारी प्लानिंग वो कर रहा है, सारी चीजें वो कर रहा है, हम उसके वर्कर है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, हम उसको करेंगे फॉलो कर रहे हैं। अब ये मुजाकरती टीम जो खान साहब में लगे सारे वो बंदे हैं जिनसे हुकूमत बैठकर बात करेगी और हुकूमत गारंटी करेगी कि अब कोई भी ये जबरदस्त के हमारा बंदा गिरफ्तार नहीं होगा, लेकिन हुकूमत खुद खुद के उसके कहने पर खान साहब ने बनाई होगी, खान साहब ने खुद नहीं बनाई, जो ये घरों में जाकर खान साहब के घुटनों में गिरते हुकूमत वाले, ये जैसे अदलिया के खिलाफ करते सुप्रीम कोर्ट के बाहर कहते हैं 3/4, 4/4, 2 जज का फैसला, अंदर जाके खान साहब जजों के पैरों में गिरते हैं, सर हम तो आपके ताबे हैं, हम आपके साथ हैं। ऐसे दीपक भाई मैं आपको एक बात बताऊं कि आप यकीन माने कि मैंने तो मेरे तो देखिए मेरा मेरे आधे से ज्यादा खानदान वहां पर बैठा हुआ है, ठीक है। मैं तो ये बता रहा हूँ आपको कि ये पीडीएम वाले अभी कुछ ही दिन पहले खान साहब के पास, वो उसको एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, वो खान साहब से मुलाकात करने गया था, वो उसके मेरे जहन नाम मुझे नहीं आ रहा है, मांडवी वाला है कि पता नहीं क्या है, कुंडी एग्जैक्टली, ये इसके इसके हाथ पर पैगाम भेजा था कि खान साहब ये सब जो कर रहा है ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि शायद ये गवर्नमेंट कर रही है, हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये राणा सनाउल्लाह जो मीडिया पर आकर धमकियां देता है पसे पर्दा, ये भीख मांग मांग के हमारे लोगों से माफिया मांगता है। उस्मान डार के घर के ऊपर छापा मारा पुलिस वालों ने, उसकी उसकी वालदा के साथ बदतमीजी की, उसकी वालदा के बाल खींचे, और उसी दिन उस्मान डार को फोन किया, उमर डार को फोन किया राणा सनाउल्लाह, माफिया मांगी। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, इन लोगों ने माफिया मांगी, ये लोग भीख मांगते हैं पीटीआई वालों से, इन लोगों को पता है कि इन लोगों का जीना आराम कर देंगे, असल में इन लोगों की कोई औकात कोई हैसियत है भी नहीं, इन लोगों को पता ही नहीं है कि ये होता क्या है। ये एक आप क्या समझ रही हैं, आप मुझे एक बात बताएं, मेरे घर पे कोई छापा मारता है, मेरी माँ के साथ मेरी इज्जत के साथ कोई इस तरीके से बर्ताव करता है, मेरा घर तोड़ता है, मैं पीटीआई तो छोड़ दूंगा, क्या मेरे दिल से गुस्सा निकलेगा, मैं एक बार भूल जाऊंगा, क्या मेरे दिल में लगी आग बुझ जाएगी, कभी भी नहीं बुझेगी, इस तरीके से कभी भी कोई सियासी जमातों को खत्म नहीं करता है और नफरत ज्यादा पैदा होती है। दूसरी बात कादिर पटेल के ऊपर बात करूंगा, कादिर पटेल एक खुद एक घटिया किस्म का गंदा किस्म का इंसान है, शराब के नशे में 24 घंटे बैठा होता है, इसके हलके के अंदर इसके हलके में आप जाएंगे सारे के सारे हिरोनी जी हिरोनी घूम रहे होते हैं, वो सारे के सारे जो हिरोनी है उनका सरपरस्ते आला ये है, उनके पास जितना भी माल बिकता है वो इसका माल होता है, ये सप्लाई करवाता है, इसके एजेंट है, इसके फ्रंट मैन है, ठीक है। सईद गनी बहुत बड़ा मंशात फरोश है, यही कादिर पटेल, इस कादिर पटेल को मैंने जितना इनके लोगों से सुना है, मेरे दोस्त हैं पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वो भी ये कहते हैं बोलते हैं हमजा ये हर वक्त नशे में बैठा होता है, इतना जाहिल आदमी है, इस बंदे की कोई तालीम ही नहीं है,
जब एक बंदे की कोई तालीम ही नहीं है, कोई एजुकेशन ही नहीं है, उसके पास को पता ही नहीं है कि एमबीबीएस की फुल फॉर्म होती क्या है, ये तो वो मुन्ना भाई वाली मुन्ना भाई की तरह ये हमारे लिए बन गया है वजीर सेहत। ए वो एमबीबीएस का डॉक्टर बन गया था, ये वजीर सेहत बन गया है, एप्रेंट पहन के बस नकली सब सब कुछ चला रहा है ये। इसको तो पता ही नहीं कि एमबीबीएस का मकसद क्या होता है। आप लोगों ने बिलावल साहब खुद एक पर्ची पे आया हुआ चेयरमैन है वो, उसने अपने वजरा भी ऐसे जाहिल गंदे जहन के रखे हुए हैं, वो मीडिया पे आके बकवास करती है। उसको पता भी है कि ये सारी चीज उसकी बहन बेटियां बच्चियां सुन रही होंगी, लेकिन उस बंदे को शर्म नाम की चीज ही नहीं है, गैरत नाम की चीज ही नहीं है, उसके मुंह से शराब की बदबू जाती है। तो ऐसे बंदे पर डिबेट भी हम क्या करेंगे। सही बात है। अभी जो वक्त हमारे ऊपर चल रहा है तरीके इंसाफ के वालों पर, तो उसपे तो हमजा या मैं हम सब बैठे हुए पार्टी को डिपेंड कर रहे हैं और पार्टी के साथ चल रहे हैं। ये सिंध के में जो वडेरे हैं पीपल्स पार्टी के, जो रहनुमा है कारकुन, उनकी नफ्या अच्छा से दीपक भाई, बता एक चीज मैंने आज अपनी कैबिनेट में ये जिक्र किया। मैंने कहा आप लोगों को चाहिए आप लोग एक बहुत बड़ी ग्रैंड रैली निकालें खान साहब के लिए, खान साहब से इजहार यकजहती के लिए। तो उसपे मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि यार हमजा भाई आप ऐसे माहौल में ऐसी बातें कर रहे हैं यार। मैंने कहा हम लोगों ने क्या किया है, मैंने कहा आप मुझे बताएं तो सही, हम लोगों ने क्या किया है यार। हमने मैं यही तो कह रहा हूँ, हम लोगों ने क्या किया है, हम तो हैदराबाद में, हैदराबाद में कोई गमला टूटा हो यार, कोई किसी ने कुछ किया हो, किसी ने कोई रिक्शे का टायर भी किसी का जलाया हो, आप मुझे बताएं तो सही। मतलब मीडिया, हमारा जो प्रेस मीडिया है सारा का सारा कंट्रोल्ड है, ये सारा का सारा जो है इंतजार फैलाता है, और किस तरीके से कंट्रोल्ड है वो आप भी जानते हैं। लेकिन दीपक भाई वो दौर निकल चुका है यार। मैंने आज 11 साल की बच्ची की वीडियो डाली, वो बच्ची बोल क्या रही है यार, आप उस बच्ची के अल्फाज तो सुने। वो बच्ची ये कह रही है, मतलब मैं आई हैव नो वर्ड्स टू से व्हाट आई एम सेइंग, बट यार बच्चों को शऊर आ चुका है, लोगों को शऊर आ चुका है, नहीं कर सकते अब, बहुत मुश्किल जीते। और वही बात है जो मुज़ाकराती कमेटी बनी है ना, ये मुज़ाकराती कमेटी इसीलिए बनी है कि खान साहब अगर आप इक्तदार में आए तो देखिए ये चीजें मत कीजिएगा, बाकी हम आपसे जीत तो नहीं सकते हैं। तो ये मुज़ाकराती कमेटी इसीलिए बनी है, जहां तक मैं मानता हूँ। मीडिया पर तो खान बिल्कुल साहब इसी का बात हम ऐसे कर देंगे, वो डब्बू जो है एक मरियम औरंगजेब साहिबा, वो आती है मुलाकात और मुंह में जो आता है बदतमीजी करके मीडिया पर चली जाती है, और फिर अक्सर वो कहती है कि पीटीआई वाले तो बहुत ज्यादा अजीब तरीके से बात करते हैं, उनको पता नहीं है कि बात किस तरीके से की जाती है, तमीज तहजीब उनको उनके घर वालों ने सिखाई नहीं है, ना कोई तरबियत हुई है। पसे पर्दा ये लोग हमारे से भीख मांग रहे होती है खान साहब के लोग, फवाद चौधरी के भाई को यही मरियम औरंगजेब, फवाद चौधरी का जो भाई है वो जो बैरिस्टर है, पता नहीं वकील है वो चश्मे वाला, मैं उसको मुझे मुझे इतना उसको बारे में इल्म नहीं है, लेकिन वो भी बड़ा निडर बंदा है, बहुत उसने सपोर्ट किया पीटीआई के मुश्किल वक्त के अंदर में। अल्लाह करे बिल्कुल कि वो हमारे साथ चले। हाँ तो वो मरियम औरंगजेब उसको फोन करके कहती है यार ये हम लोग नहीं करते हैं, ये चीजें हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते। तो कहने का मकसद ये बोला मांगते हैं खान साहब से, ये लोग डरे हुए इन लोगों के हल्कों में, लोग इन लोगों को जूते मारते हैं, इन लोगों के अंडे मारते हैं, इन लोगों को इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है। तो ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ हैदराबाद के लोगों के लिए, कराची के लोगों के लिए, सिंध में देखने वाले लोगों के लिए, मेरे को मुझे जितने लोग सुन रहे हैं कि देखें आप अपने वोटर के पास जाएं, आप अपने लोगों के साथ उठे बैठे उनको पैगाम दें कि ये वक्त अब आप लोगों का है। ये लीडरशिप नहीं जितवाएगी खान को, कितने वोट होंगे, 20 वोट होंगे, 25 वोट होंगे, ये 1,000 वोट होंगे, आपने जितवाना है ये इलेक्शन, आपने जितवाना है। और ऐसे नहीं जितवाना ये वोट दे के आ गए घर पे सो गए, नहीं, आपने इलेक्शन की हिफाजत करनी है, आपने पोलिंग बूथ की हिफाजत करनी है, पोलिंग स्टेशन की हिफाजत करनी है। 2018 में हम 2/3 अक्सरियत से जीते थे, हमारी सीटें कम की गई थी, साबिर काइम खानी की सीट हमारी सीट थी, ये सारी की सारी हैदराबाद की सीटें हमारी सीट थी, कितने मार्जिन से हारे, 3,000, 4,000, 6,000, 2,000, इनका दिमाग खराब है, ये सीटें हम लोग जीते हुए थे, ऐसी कराची की बेशुमार सीटें हम लोग जीते हुए थे, ये लोग पागल बनाते हैं हम लोगों को, आरटीएस का सिस्टम बिठा दिया। अरे दीपक भाई फिर आपको पता है सारी बातें फ्रंट पर करेंगे फिर बाद में। थोड़ा हाथ थोड़ा रखो, अभी लोगों को आगे करना है। ये जब पीपल्स पार्टी वालों पे अगर ऐसे थोड़ी भी आई ना, हमजा भी मैं आपको ये बता दूं, पीपल्स पार्टी वालों की नफ्सियात थोड़ी भी अगर ऐसी शक्ति आई जो हमारे पास आई है कि जनाब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ 9 मई का, मुझे बड़ा दुख है, मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, जैसे कल खान साहब ने कहा कि भाई मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, पार्टी छोड़ने के लिए नहीं कर रहा हूँ, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, तो ये पीपल्स पार्टी वाला एक बंदा भी नहीं रुकेगा। मैं सिंधी वडेरे की निशानी आपको बता रहा हूँ, वडेरे की, सिर्फ एक बूट आ जाए ना, बूट सिंध में उतर जाए, भाई हम उतर गए, अब इंडी को फर्क करना है, कोई भी वडेरा को वहां जाएगा। इतने डरपोक है उनके वर्कर, तो नहीं कहूंगा क्योंकि वर्कर तो हर पार्टी की जान होती है, लेकिन मैं जो यंग की क्यादत बैठी हुई है वडेरे, एमएनएस, एमपीएस, चेयरमैन, उनकी बात कर रहा हूँ, तेरी कहने साहब को तो अलहमदुल्ला सारे के सारे लोग बैठे हैं, वो लोग जा रहे हैं
जिन्होंने सिर्फ एसईओ के मजे देखे और ना उनके आगे पीछे, आगे ना कोई, ना उनके पीछे कोई, ना एयरपोर्ट, ना दो वोट, वो जा रहे हैं। चंद लोग गए जिनके वोट हो गए, लेकिन अखिलेश की किसी का वोट वहां पे नहीं है। मलिका बुखारी रिजर्व सीट, और ये जो अपना ये जमशेद अपना चीमा रिजर्व सीट, मुसरत जमशेद चीमा रिजर्व सीट, ये जो अपना इमरान इस्माइल जीरो वोट, उसका अपना जाति कोई वोट नहीं है, जिस हल्के से खड़ा हुआ सर्के का वोट है ही नहीं। अली रेडी जीरो वोट, जाति हल्के से नहीं खड़ा हुआ, सारे डिफेंस के लोग हैं। कराची के मुख्तलिफ हल्कों से इलेक्शन लड़े और जीतकर खान के नाम पर आ गए। कराची वालों को तो मैं समझता हूँ वोट ही नहीं है, सिर्फ चंद एमएनएस एमपीएस को छोड़कर जो अपने अपने हल्कों से इलेक्शन लड़े हैं उनका वोट होगा, बाकी किसी का वोट वहां पे नहीं होगा। अमल लियाकत था, अपने हल्के से लड़ा था, जीत गया था, उसका वोट मैं समझता हूँ अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, उसका वोट अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। हम जो होगी बात मानेंगे, उसका जाति वोट वहां पे उसकी जाति, क्योंकि मुआजिर कमेटी जो है ना उसमें एक आए वो बंदे को जितवाते हैं, लाते आगे मकामी बंदे को कर जितवाते हैं, जितवाते हैं वो लोग, जितवाते दो तीन लोग होंगे जिनके वोट होंगे, किसी का कोई वोट नहीं है। तरीके इंसाफ के जो नौजवान है वो ये चीज अब सोच ले कि मुस्तकबिल आपके, अगर खान की गवर्नमेंट आ गई ना, ये लिख कर ले ले, खान साहब 80% नए चेहरे लाएगा। मैं जो समझ रहा हूँ ना, खान साहब जो टिकटें दिए ना, ये खान साहब कोई पागल नहीं है, खान साहब दूर की सोच रखते। खान साहब को सब पता था कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, गिरफ्तारी होने वाली है और क्या क्या ये मेरे लोगों के साथ क्रैकडाउन करने वाले। मुझे महसूस हो रहा है खान ने टिकटें दी उन लोगों के जो कमजोर दिल वाले हैं, जो चले जाए उसके बाद खान साहब ने बैकअप में जो कैंडिडेट रखे हुए ना, टिकटें उनकी जो तैयार रखी हुई है, दमान पार्क में जो कमरा टिकटों का भरा हुआ है खान साहब ने, वो उसी वक्त खान साहब निकालेगा, वही आएगा। कौमी असेंबली में 80% नए लोग आएंगे, नए लोग अगर आप ये बातें यहाँ पर नहीं करें, ये लोग सारे पहुंच जाएंगे वहां पर, वो दरवाजा खोल के सारे टिकट ले जाएंगे। आप ये बातें फ्रंट पर नहीं करें, दरवाजा खान साहब के अंदर दिल के अंदर है, वो खान साहब ने नाम दिल के अंदर सेव किए हुए, वो लोग खान साहब के साथ खड़े, खान साहब से कॉन्टेक्ट में होते हैं, वो किसी भी तरीके से होते हैं, भले आप इंटरनेट बंद कर दो, नेटवर्क बंद कर दो, सारी चीज होती है। अगर 80% नए चेहरे अहमदाबाद पहुंच गए ना, फिर भले ये वडेरे पीपी से पहुंच जाए, नूर से पहुंच जाए, पाकिस्तान का निजाम बदल जाएगा आपका। 80% अगर नए चेहरे लोग पहुंच जाएंगे, आप यकीन करें कि फयाज उल हसन चौहान के हल्के के अंदर लोग इतने खुश हैं उसकी जाने से। मैं वर्कर्स की बात कर रहा हूँ, सपोर्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। सर्वे मैंने देखा है, मैंने सारा मीडिया का सर्वे देखा है, वहाँ एक चैनल नहीं, वहाँ 6 मीडिया चैनल ने सर्वे किया है, वहाँ सारा का सारा सर्वे खान साहब के हक में। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो सारे वैसे खुश हैं, वो कहते हैं यार ये हमें आगे आने नहीं देता था, वो सारे नौजवान इन लोगों से तंग है। और देखिए पंजाब और केपीके के अंदर सारे की सारी यूथ विंग और आईएसएफ है, उन लोगों ने असल में संभाला हुआ है वहां पर। वरना मैं नहीं समझता कि जमशेद चीमा, मुसरत चीमा, फयाज हुसैन चौहान इन लोगों की वहां पर कोई हैसियत थी, पैसा था उन लोगों के पास। जमात इस्लामी को मुश्किल वक्त में छोड़ के आया था फयाज हुसैन चौहान, मैंने इसकी हिस्ट्री कल बैठ कर पढ़ी है। जब 2002 में जमात इस्लामी के ऊपर मुश्किल वक्त आया था, उसको छोड़कर ये फिर देख रहा था कि 2011 में खान साहब के हवा चल के उसमें आ गया। जमशेद चीमा या मुसरत जमशेद चीमा, चलो ठीक है इन्होंने पार्टी में मेहनत की, लेकिन जाति वोट इनका कोई नहीं था, हल्का दूसरा था, वोट दूसरा। जो असल जो खान साहब के हल्के के वोट रखने वाले ना, ये मैं नाम लूंगा खालिद गुजर जो दरवाजा तोड़ के चला गया था, वो बंदे असल बंदे ये हैं जो वोट रखने वाले हैं। खालिद गुजर, शब्बीर गुजर, यार ये लव है यार, यकीन माने ऐसे ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए यार, निडर लड़के हैं बेचारे। अब खान साहब जो मुश्किल वक्त में खान साहब के साथ खड़ा हुआ है ना, वो खान साहब एनए पर अपने साथ लाएगा, जैसे खान साहब शब्बीर गुजर को एनए पर लेकर। दीपक भाई आपको पता है शब्बीर गुजर और खालिद गुजर का एक छोटा भाई शहीद हुआ था इसी इलेक्शन के अंदर, कैंपेन में नून लीग की जानिब से झगड़ा हुआ था, नून लीग की जानिब से। खालिद गुजर का बेटा जख्मी हुआ, उसको गोली लगी थी सर पे मेरे साथ। बस 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 मैं गलत हूँ, यहाँ पे शहीद नहीं हुआ था, जख्मी हुआ था। तो मतलब इन लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी है। और एक इंटरव्यू में पूछा कि खालिद गुजर से पूछा कि आप एमपी थे, आपने इस्तीफा दे दिया, आपको टिकट क्यों नहीं मिली, तो लेकिन वो ऐसा नहीं था, उसको इंशाल्लाह कौमी असेंबली में लाने का सीन है। उसको मैं से मेरे दो तीन मुलाकात है, क्योंकि खालिद गुजर ने कहा है शबीर अपना शबीर भाई मैं आया हूँ से, दीपक मेरा नाम है, कह रहा है भाई आओ हमारे बैठक पर आओ, खाना वाना खाओ चलो। हालांकि ना मैं जानता हूँ वो, ना वो मुझे जानता है, बस क्या है तरीके सब खान साहब का एक हमारा मकाम है, खान साहब जैसा हमारा वास्ता हुआ। मैं उस जलसे में जब हाकी स्टेडियम में लाहौर में जलसा हुआ था खान साहब का, तो जलसे एक दिन पहले हम वहाँ पे गए थे, आदित्य चाचा भाई हमारे साथ था, वो अंदर अंदर चले गए, मैंने जब पीछे लगा शब्बीर गुजर रहा तो मैं रुक गया खुद ही, मेरा मैं इस बंदे से सेल्फी भी लूंगा, क्योंकि खान का ये वो बंदा है जिसके ऊपर हमला किया था मुश्किल वक्त में, सबसे बड़ी लीड लाहौर में इसने दी है नून लीग को। इसने तो जब मैं मिला तो उसको मैंने बताया मैं सिंध से आया हूँ, ये आपके वहाँ के पंजाबी भी हैदराबाद में रहते हैं हमारे साथ, यूथ विंग में काम भी कर रहे हैं, भाई है अपना जिनकी होटल भी मेरे ख्याल में है गोल बिल्डिंग की साइड पे, उनका इकबाल होटल का दमारा दोस्त है वो शेगी,
राजा मलिक नाम है हाँ उसका, शेख हमारा तो खैर बहुत अच्छा दोस्त है, पुराना दोस्त है, हमारे यूथ विंग का अहदेदार भी है, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी है वो। अच्छा उसने मतलब वो गया था वहाँ, मैसेज वैसेज देकर आया था, उसको दावत भी थी लेकिन शबीर भाई आ नहीं पाए। मुझे भी बड़ा शौक था शबीर गुजर से मिलने का, लेकिन वो बड़ा, और खालिद गुजर ने शबीर गुजर को आगे किया हुआ था, शबीर गुजर को टिकट दिया था, खालिद गुजर ने कहा नहीं मैं नहीं लड़ूंगा शबीर लड़ेगा, सारी सपोर्ट खालिद गुजर की थी। ये बहुत मतलब इनसे नहीं करता वहाँ पे, कोई टक्कर नहीं लेता इन लोगों से, ये बहुत पावरफुल बंदे हैं वहाँ के। पावरफुल लोग हैं। जब मैं बोला तो मुझे कह रहे आओ डेरे में, चलो खाना ना खाओ, मेरा सर अभी हम निकलेंगे, मैं दोस्तों के साथ हूँ, चलो मुझे मिला नंबर हो गया। उन्होंने अपना नंबर मुझे दिया, शबीर गुजर ने अपना नंबर मुझे दिया कि कभी भी आओ लाहौर में हम बैठे हैं। आप ये नहीं समझना कि आप सिंध से और पंजाब से, हम पार्टी के वर्कर हो, हमारे भी हमारे लिए आपके लिए वही इज्जत है जो हम अपने हल्के के लोगों की इज्जत करते हैं। तो ऐसे लोगों को खासतौर से ना सलाम किया हमारे, ऐसे लोग अगर कौमी असेंबली में पहुंच गया तो शामत आ जाएगी लोगों की, जो अच्छा समझ रहे हैं हम आपसे बहुत कुछ कर लेंगे। अच्छा दीपक भाई आप क्या कहते हैं कि है बात के अंदर रैली निकालनी चाहिए नहीं निकालनी चाहिए, आप बताएं। मैं समझता हूँ ग्रैंड रैली निकालनी चाहिए खान साहब के हक में, जो लतीफाबाद से लेकर हैदर चौक, खाली रोड, ये फैसलाबाद वाला सारा इलाकों में देखे कौन हाथ लगाएगा। क्यों, हम कोई दहशतगर्द थोड़ी है, कोई हमने चोरी थोड़ी की, हमने कोई डकैती थोड़ी की, कोई आके हमें उठा के चला जाएगा, या हम कोई एंटी स्टेब्लिशमेंट एंटी मुल्क थोड़ी, हम तो पाकिस्तान के हक में पाकिस्तानी है, और हम अपने फौज से भी प्यार करते हैं, अपने पुलिस से भी प्यार करते हैं। हम अमन पसंद शहरी हम रैली हमें निकालनी चाहिए खान साहब के हक में, और ये पैगाम पूरे मुल्क को जाएगा कि आपने इतनी मुश्किलें पैदा की उसके बावजूद हैदराबाद खान साहब के साथ खड़ा हुआ है, हैदराबाद के लोग खड़े हुए। और जब रैली निकलेगी ना, ये अगर निकल गई, जो प्लानिंग में देख रहा हूँ आपकी और आपके दोस्तों की जिस तरीके से आप ये कर रहे हैं, अगर रैली निकली तो अच्छे अच्छे लोग भी नीटे आराम हो जाएंगे जा रहे हैं ना, ये हमारा जो पीपल्स पार्टी का मैं उसको गवर्नर कहूंगा, ऐसे लोग देखकर हैरान हो जाएंगे यार हम तो 10 दिन और जेल में बैठते हैं। यार मैं तो सलाम करता हूँ अलीम भाई को, जो कम से कम 2 महीने 3 महीने जेल में रहा कराची में, उसके ऊपर बड़ा तशद्दुद भी उन्होंने किया, हमने खुद उनको देखा उसकी कान में रॉड लगी अलीम भाई के, उसको तशद्दुद किया अली भाई वाले, सिर्फ 2-3 महीने जेल बता, अभी नकवी साहब बैठे हैं यार, वो मिसाल ले लो, छोड़ो अलीम भाई तो आपकी बनती नहीं है ना, नकवी साहब यार आपको पता है नकवी साहब के सारे, आपको पता है नकवी साहब के सारे मेट्रो स्टोर जिन लोगों ने बंद कर दिए यार, वो बंदा कितनी मुश्किलात से दो चार है यार, वो कैंसर का पेशेंट है यू नो। परेशान है। उसने एक ही बयान दिया, भाई मैं मट्टी से आया हूँ, मट्टी में जाना पसंद करूंगा, तब्दील होना पसंद नहीं करूंगा। तो नकवी साहब आपका कुली के पुराना फाउंडर है, उसको आप उससे सबक सीख लेते, वो जेल में 70 में वो भी जेल में बैठा हुआ है, वो कोई ऐसी में नहीं बैठा हुआ जिससे अली जैदी भाई को ट्रीट किया गया वैसे उनको ट्रीट किया गया है, लेकिन ये उनकी सोच खत्म हो गई कि बस यही मुस्तकबिल, उनको ये ट्रीट किया गया है, इनके दिमाग भरेंगे कि खान साहब खत्म हो चुका है, तरीके इंसाफ खत्म हो चुकी है, अब मुल्क में ये लोग नहीं आएंगे, अच्छा आप लोग दस थोड़े आपको आगे लेके आ जाएंगे। अली 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 जैदी साहब के लिए मैं ये बोलता हूँ, मेरा ये मानना है अली जैदी साहब मेरे लिए काबिले एहतराम थे हैं और रहेंगे, खान साहब के साथ बहुत ज्यादा खड़े हुए मुश्किल वक्त में। और देखिए अली जैदी भाई को जिस तरीके से जेल में रखा हुआ था ना, वो सब जानते हैं उनके ऊपर बड़ा जुल्म किया वहां पर, बहुत बड़ा और ये बहुत छोटी बात नहीं होती है कि उनको हॉस्पिटल लेकर गए, तैयार किया गया, पूरा माइंडसेट बनाया गया कि मतलब वही टॉर्चर करके बोला कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हॉस्पिटल के बाहर सारा मीडिया बुलाया और वहां खड़े होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कर दी, इससे बड़ी बात और क्या होगी। हालांकि उससे 10 मिनट पहले उनका घर था सब जेल, और उसके फौरन बाद उनको उधर जैकमाबाद जेल भेज दिया जहां पर एक कमरे के अंदर 13-13 लोग होते हैं और एक छोटा सा खड्डा होता है वहां पर आपने वॉशरूम अटेंड करना, उधर गंदा सा उसके ऊपर पर्दा होता है। तो मैं अली जैदी भाई के लिए, अली जैदी भाई का देखें, अली जैदी भाई सिंध की सदारत के लिए इतने वो नहीं थे जितना वो मतलब, क्योंकि इंटीरियर उनसे थोड़ा सा नाराज था कि लोग गिला करते थे कि देखिए इंटीरियर पे इनका कोई ध्यान नहीं है। हलीम भाई वाले हो गए और जतोईज फैमिलीज जो है हमारी वो हो गई, ये लोग जवाब मांगते हैं, ये लोग इंटीरियर के अंदर ताल्लुकात रखते हैं, ये लोग सलाम दुआ रखते हैं, ये इंटीरियर के सिस्टम को जानते हैं। देखिए हमें सूबाई हुकूमत चाहिए, हमें कराची की सीटें और हैदराबाद की सीटें तो सिर्फ नहीं चाहिए ना, या मैं सिर्फ ये बोलूं कि मेरे हलके का N226 का MN और MP आ जाए और बस मुझे काम कराने अपने लोग, ऐसे तो नहीं होता। सूबे की गवर्नमेंट जब मेरे हाथ में आएगी तब कहीं जाके अपने लोगों के काम करवा पाऊंगा, या अगर वफाक में मेरी हुकूमत होगी तो मैं कौमी असेंबली का MNA मेरे लिए काम कर देगा। लेकिन अली भाई ने साथ दिया है, जो बातें साथ दिया है, लेकिन वो बंदा 13 दिन से सोया नहीं था, 13 दिन से नहाया नहीं था, मैं फिर भी उनको सलाम करता हूँ, मेरे दिल में उनके लिए आज भी इज्जत है, लेकिन सिंध की सदारत के लिए वो डिजर्विंग नहीं थे। खान साहब का कबूल फैसला था सराखों पर था। अब खान साहब को चाहिए कि सोचे, हमें पसंद नहीं होता ना, हम दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, लेकिन फिर जब देखते हैं खान साहब ने खुद फैसला या कोई ना कोई खान साहब ने चीज सोची होगी, बस हम तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब हैदराबाद के यार बाद उस बंदे जिसने ने जाकर पीटे ने सीटें जीती है, फिर
पीटीआई के नाम पर, पीटीआई के टिकट पर जाकर जतली ने थर्ड नंबर पर सखरे जो मोदी जतली बैठा है वहां पर उसने सीटें जितवाई, फोर्थ पे अपना नवाब शाह भी है, सखरन भी है। बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर भी जतोई फैमिलीज का बहुत जबरदस्त तरीके से रिस्पांस आया है। बिल्कुल 400 टिकटें मेरे सामने गई है वहां पे दादू के, 400 नहीं बस 350 टिकटें मेरे सामने जय जो साहब के पास से दादू में गई है। जाने के इतने लोग खड़े हुए तो टिकटें गई है ना, सारे लोग हर लोग को हरासा किया गया, अगवा किया गया, जतोई ने हाईवे बंद करके लोगों को बाजियाब करवाया, उनको इलेक्शन लड़वाया, उनको जितवाया। मेयर तो पूरा वो जीते म्यूनिसिपल कमेटी, मेयर पे तो चेयरमैन पीटीए का अपना जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो आ रहा है, सॉरी जनसेट की शायद प्रेसिडेंट नियाज अली बुरोड़ो वो आ रहा है। तो ऐसे लोगों को खान साहब आगे लेके आ रहा है। अब ये 2000 जतोई साहब को भी एक चीज सोचनी चाहिए, मैं जतोई की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उनका साथी हैसियत भी है, वोट भी है, कद काट दिए और तरीके से आपको वोट दिए। ये चीज आप छोड़ देखिए कि कोई आपको मिल जाके करेगा, आप लोग काबिल एहतराम है, आपका सिंध में स्ट्रेंथ है, सिंध में आपकी माशाला बड़ी स्ट्रेंथ है, आपको ये सोशल मीडिया का दौर, आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको अपने लोगों को साथ बिठाना पड़ेगा। जो 2018 इलेक्शन के बाद आपने रवैया अख्तियार करा 2021 तक, अपने हल्के में ना जाकर, लोगों के साथ ना बैठकर, पार्टी को इग्नोर कर, उससे नुकसान क्या हुआ? आपका भी हो, हमारा भी हो, हमारा नुकसान कैसे हुआ? अगर आप एक्टिव होते खान साहब आपको कोई वफाकी वजारत दे देते, क्योंकि आप वफाकी वजारत दे चुके हैं, वजीराना सिंध रह चुके हैं, खान साहब आपको वफाकी वजारत देते तो आप शायद हैदराबाद का भी काम करते, हमारा भी काम करते, दादू का भी काम करते, इससे सबका फायदा होता। लेकिन आप अनएक्टिव हुए, नुकसान हुआ। अब जब सदाब आया तो कौन काम आया जैसे साहब को? इमरान रियाज काम आया, साहब इमरान रियाज किसके कहने में गया होगा? वो दादू का तो उसके हमारे पास अच्छे ना पार्टी वाले साहब, खान साहब ने बोल दिया होगा भाई जाओ दादू जतोई से मिलो, जतोई के वापस का दो साल क्षमा पे खैर पड़ा था, क्या डूब गया है आलमगीर किसका एमएलए? हमारा एमएलए वो छत्तीस की तरफ से वहां गया। तो जतोई साहब को ये चीज अब जेल से निकालनी होगी। इलेक्शन के बाद आपको अनएक्टिव नहीं होना, आपको एक्टिव होकर जैसे अलीम भाई प्रैक्टिस करते हैं, दूसरे प्रैक्टिस करते हैं, अली रेड्डी भाई करते हैं, उसी तरीके से आपको एक्टिव होना पड़ेगा, लोगों को साथ देकर चलना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपका भी फायदा है, हमारा वर्कर का भी फायदा है। वर्कर का ये फायदा होगा, अगर आप एक्टिव होंगे आपसे 10 के बजाय 2 काम आपसे ले सकते हैं, और आप हमें हमारा करेंगे हमें पता है, आप लोग इलेक्शन जीत गए, आप लोग बल्दियाती सेटअप के अंदर आ गए, अब हमारी पार्टी जो मखसूस नशिस्तें होती हैं उन पर फॉर्म जमा हो गए, उनको ओहदे मिलने हैं। मैं तमाम लोगों को मीडिया के तवज्जुह से ये कह रहा हूँ कि देखिए मेहरबानी करके आप लोग अपने लोगों के काम करें, लोगों के पास जाएं, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाएं, ना कि आप लोग अपने कारोबारों के अंदर इतना मगन हो जाएं कि आप लोग नुमाइंदगी भूल जाएं। मेरी ये रिक्वेस्ट सिर्फ उन नुमाइंदों से नहीं है, मेरी ये रिक्वेस्ट आपके डिस्ट्रिक्ट के सदर से भी है, मेरी ये रिक्वेस्ट आपके पूरे सिंध की काबीना से है कि आप अपने नुमाइंदों से जवाब मांगना, आप अपने नुमाइंदों की रिपोर्टेशन लीजिएगा कि आपके नुमाइंदे काम कर रहे हैं, पेट भी है, देखें कारोबार करें, काम करें, ड्यूटी करें, जॉब करें, लेकिन आपके पास आप स्टेक होल्डर हैं, आपको लोगों ने इमरान खान के चेहरे पर वोट दिया है, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट तमाम नुमाइंदों से यह है कि आवाम में रहे, जनरल इलेक्शन के अंदर आप लोगों ने वोट लाना है, आप लोगों का एक बहुत बड़ा किरदार है हमारे साथ, मेहरबानी करके रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, तमाम नुमाइंदों से, कि प्लीज आप लोगों ने आवाम में रहना है, खुशी गम में जाया करें, अच्छे बुरे में उठा बैठा करें। आई नो वेरी वेल कि पीपल्स पार्टी का मेयर है तंग करेगा, लेकिन किसी किसी आम वोटर के चेहरे पर यह ना हो कि फलाना नुमाइंदा नहीं आया, ये हो कि आखिरी दम तक लड़ता रहा हमारे लिए, काम नहीं हुआ लेकिन खड़ा रहा, ताकि वो एतमाद से दोबारा खान साहब के चेहरे पर आपको वोट दे सके, आपकी जुबान पर वोट दे सके कि हाँ भाई ये मेरे पास चल के आए, मैं वोट दे देता हूँ। तो मैं बल्दियाती नुमाइंदों को ये बात कहना चाहता हूँ, खुदारा आप लोगों ने आवाम में रहना है, ये खान साहब का टिकट था, खान साहब की सीट है, खान साहब की अमानत है, उस अमानत की खयानत आपने उस अमानत में नहीं करनी है, आपने उस अमानत की हिफाजत करनी है, कोई किसी खुशफहमी में ना रहे, ये अमानत पार्टी की है, पार्टी को वापस जाएगी। खान बोले रिजाइन करेंगे, तमाम लोगों ने रिजाइन करना है, खान बोल रहे हैं सिस्टम चलाना है, तमाम लोगों ने सिस्टम चलाना है, तो ये सीटें खान साहब की है, लोगों का एतमाद है, प्लीज नहीं छोड़ना। और अगर आप लोगों ने एतमाद को ठेस पहुंचाई, मेरी हर चीज पर नजर होती है, अगर आप लोगों ने एतमाद को ठेस पहुंचाई, मैं आऊंगा आप लोगों के इलाके के अंदर, खुद ये मोबाइल लेकर आऊंगा और एक एक को बेनकाब करूंगा, अपनी पार्टी की बेइज्जती होने नहीं दूंगा, ये सारे लोग सुन लें,
मेरा नुमाइंदा मेरी पार्टी के टिकट पर जीता हुआ नुमाइंदा आवाम के काम नहीं करेगा। मैंने कई पर भी कंप्लेन सुनी कि फला बंदा पीटीआई का, वो हमारी नहीं सुनता, वो हमारे काम नहीं करता, वो हमारे पास आता नहीं है। मैं आऊंगा उसके हलके में अपनी टीम लेकर, अपनी पूरी सोशल मीडिया की टीम लेकर, मैं खान साहब तक आवाज पहुंचाऊंगा, पूरी कैबिनेट तक आवाज पहुंचाऊंगा। अपनी कैबिनेट के अंदर इंसाफ यूथ विंग का जिम्मे होने के नाते मैं अपनी कैबिनेट में आवाज उठाऊंगा कि खुदारा इस चीज को न करे। लोगों ने एतमाद करके हमें वोट दिया, आप लोगों ने काम करना है। हम पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम नहीं है, हम इमरान खान के नुमाइंदे, हमने लोगों के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचानी है। बिल्कुल, आखिर में क्योंकि अब हमारा 52 मिनट से ज्यादा का हो गया है, तो अभी हम वाइंड अप करेंगे। मैं जो दोस्त इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस हमारे सेशन को ज्यादा से ज्यादा, अगर कमेंट्स में कोई खास सवाल आया हो तो उसके अंदर आप बता दें। मैं कह रहा हूँ आप एक बार कमेंट्स चेक कर लें, कोई खास सवाल आया इंपॉर्टेंट तो जल्दी सवाल पे क्लिक। और कोई नहीं आया, बस एक यासर शाह है जो जियो खतर का उसने लिखा है आखिरी कमेंट, और कोई कमेंट नहीं है। तो आखिर में मैं सब जो दोस्त हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया यासिर भाई, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और यासिर भाई, अगर ये वो यासिर प्रॉब्लम है, जो दोस्त हमें देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो यासिर भाई की आपने बात की, यासिर भाई जो यासिर भाई की आपने बात की है, यासिर भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अगर ये वही यासिर भाई है तो इन्होंने 2013-14 वाला धरना भी अटेंड किया था, 120 दिन वाला जो था, पता नहीं 2016 था, मैं भूल भी गया हूँ, तो वो धरना भी अटेंड किया था, बाइक पर गए थे वहां पर, ये बहुत हमारे सरगर्म तहरीकी साथी थे, अभी भी है, लेकिन अब बिजनेस की वजह से, काम की वजह से थोड़ा सा मसरूफ है। बाकी वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा, अपनी फैमिली के तमाम तर वोट इन्होंने बलदियाती इलेक्शन में खान साहब को दिए थे। आखिर में जो दोस्त हमें देख रहे हैं, मेरे उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम लोग भी मोटिवेट हो आपको आप तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। आज जो हमने डिबेट की है, यकीनन हमने काफी डिबेट उसमें अपने क्षेत्र की कर ली है, हैदराबाद की कर ली है, इसलिए क्योंकि हालात ऐसे हैं कि हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे सिंध का सदर रिजाइन कर गया है, सिंध का साबिक गवर्नर रिजाइन कर गया, उसके बाद हमें बातें करनी है, और जो एक नया माहौल बन रहा है हमजा भाई ने रैली का कहा है, तो मेरी ये कोशिश होगी कि जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी इंशाल्लाह रैली हमजा भाई अपने से अनाउंस करवाए नुजैर भाई से, तो रैली में हम भी भरपूर इंशाल्लाह शिरकत करेंगे, तो ये साबित करेंगे खान साहब के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं कितना भी बड़ा माहौल। मैं एक चीज ऐड करूंगा, हम कोशिश करेंगे, मैं अपने सदर के आगे ये बात मैंने रखी है, लेकिन मेरे लिए पार्टी का फैसला काबिल एहतराम है, मेरी पार्टी जो फैसला करे, मेरी मेरे काबीना, मेरे सदर जो है, मेरे डिविजनल सदर जो है, वो जो फैसला करेंगे काबिल कबूल होगा। लेकिन मेरी कोशिश ये, मेरे तमाम कारकुनान की ख्वाहिश थी, मुझे फोन आए काफी आज पूरे दिन, बहुत लोगों ने कहा, मेरे अपने कजन वाला हमारा ग्रुप है उस पर उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम लोग रैली निकालो, तुम लोग लोगों का जो ये अंदर दिलों में एक मायूसी बैठी है, मायूसी को आप लोग खत्म करो। तो इसलिए मैंने उनको कहा था, उनके आगे बात रखी थी कि अपनी कैबिनेट में ऐसे जिम्मेदार कि यार आप लोग रैली के लिए थोड़ा सा करें, लेकिन वो आपको पता है रिजर्व सीटों का मामला चला, थोड़ी मसरूफियात ज्यादा है, कोशिश हमारी है कि जल्द अज जल्द इनकी हल्फ बर्दारी हो जाए, ताकि उस चीज से निकल के फिर इंशाल्लाह इधर स्टेप डाउन करें। अब चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट तरफ हो गया जो काउंसलर था, रिजर्व सीट में जो लोग इलेक्ट हुए हैं, अल्लाह करे इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो भी हमारे लोग इलेक्ट हो जाए, तो हमारी कुवत तो हमारी बढ़ जाएगी। मेरे 42 हमारे चेयरमैन थे, 42 वाइस चेयरमैन थे, माशाल्लाह ये 84 तो ये लोग हो गए, और इनके जो काउंसलर थे ये 3-4 तो लोग तो हमारे बलदियाती नुमाइंदे मुंतखब हो चुके हैं। मैं तमाम देखने वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम मोटिवेट हो, जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं वो आप तक पहुंचाए। इंशाल्लाह आपकी कल का दिन छोड़ के परसों इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ लाइव होंगे। शुक्रिया।